दोस्तों, यामाहा कंपनी ने अभी अभी एक धमाकेदार बाइक लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है MT15। 155 सीसी सेगमेंट में 2019 का एक बेहतरीन बाइक के साथ साथ आउटलुकिंग भी जबरदस्त है। दो कलर में MT15 लॉन्च हुआ है, नंबर 1 डार्क ब्लू एंड नंबर 2 मेटेलिक ब्लैक। आइए दोस्तों, इस बाइक का क्या क्या खासियत है। दोनों तरफ से एक खूबसूरत सा गैबरेल डिजाइन किया गया है जो काफी खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, हेडलैम्प भी इसमें बिल्कुल अलग तरह सा दिया गया है जो फुल्ली LED है, और आप देख सकते हो इसका क्या लुक निकल के आ रहा है। दोस्तों, इसमें सिंगल चैनल ABS के साथ साथ इजी गियर शिफ्टिंग के लिए स्लीपर क्लच दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी फुल्ली डिजिटल है, और आप देख सकते हो इसमें MT15 का एक खास स्टील प्लेट लगाया गया है। तो दोस्तों, इस बाइक को देख के हम आसानी से कह सकते हैं न्यू जनरेशन के लिए ये एक बहुत ही पसंदीदा बाइक आने वाले दिनों में बन सकता है। तो दोस्तों, फुल फीचर्स के बारे में जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल बटन को भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो के लिए हम थैंक्स देंगे बारायपुर ऑटोस्टार यामाहा और साथ साथ मिश्रा जी और अहमद को। तो चलिए जानते हैं MT15 का फुल फीचर्स के बारे में। पहले बात करते हैं ब्रेक, टायर एंड व्हील के बारे में। ब्रेक के बारे में बात किया जाए तो सिंगल चैनल ABS है जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। फ्रंट ब्रेक डिस्क है जो इसका साइज है 220mm, और रियर ब्रेक भी डिस्क है जो इसका साइज है 220mm। और टायर के बारे में बात किया जाए तो MRF टायर दिया गया है जो एक पॉजिटिव गुड साइन है, और इसका जो टायर साइज फ्रंट है 110x70 17 इंच, और रियर टायर साइज है 140x70 17 इंच, और टायर टाइप ट्यूबलेस है जो एक अच्छी पॉइंट है। और व्हील के बारे में बात किया जाए तो व्हील टाइप अलॉय है दोनों ही, और व्हील साइज फ्रंट है 17 इंच और रियर व्हील साइज है 17 इंच। द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंजिन, अभी इसका इंजिन के बारे में जानते हैं। इंजिन टाइप है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4 वाल्व SOHC। इंजिन डिस्प्लेसमेंट है 155 सीसी। पावर है इसका 19.3 PS @10,000 RPM। दोस्तों, मुझे लगा Apache RTR 164 भी में जो पावर है 16.5 PS @8,000 RPM MT15 से थोड़ा कम है, और MT15 का टॉर्क है 14.7 Nm @8,500 RPM, और बोर्ड है इसका 58 mm, और स्ट्रोक है 58.7 mm। नंबर ऑफ सिलेंडर 1 है, डाइव टाइप चेन डाइव है, वाल्व पर सिलेंडर 4 है, और फ्यूल सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन है, और फ्यूल टाइप है पेट्रोल, और इग्निशन TCI है जो ट्रांजिस्टर कंट्रोलेट इग्निशन कहा जाता है। और इसमें जो खास चीज है वो है इंजन का किल स्विच जो बहुत ही अच्छी पॉइंट है। और दोस्तों, मुझे लगता है यामाहा MT15 का इंजन काफी दूसरा बाइक से जो 150 सेगमेंट से काफी स्ट्रांग है। और अभी जान लेते हैं इसका चैसिस एंड सस्पेंशन के बारे में। चैसिस टाइप है डेल्टा बॉक्स जो काफी अच्छी मजबूत बॉडी है, और सस्पेंशन फ्रंट है इसका टेलीस्कोपिक फॉर्क, और रियर सस्पेंशन इसको देखने को मिलेगा स्विंग राम जो इस बाइक में है।
और अभी बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन के बारे में। नंबर ऑफ गियर 6 स्पीड इसमें दिया गया है। और अभी बात करते हैं इसका डायमेंशन के बारे में। ओवरऑल लेंथ है इसका 1965 mm और इसका जो विड्थ है 800 mm और इसका जो हाइट है 1065 mm और इसका जो व्हील बेस है 1335 mm और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है वो है 155 mm और स्टैंड के बारे में बात किया जाए तो सिंगल स्टैंड का ऑप्शन है, डबल स्टैंड का कोई ऑप्शन नहीं है। और सीट के बारे में बात किया जाए तो सीट काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल है। सीट हाइट है 810 mm और सीट के नीचे जो गैबरेल दिया गया है काफ़ी खूबसूरत और अच्छा है। तो दोस्तों मुझे लगता है दूसरा बाइक से एक यूनिक पॉइंट है और इसको आप बाद में खोल भी सकते हो, वो भी उसका ऑप्शन है। और फ्यूल टैंक है इसका 10 लीटर का और कार्बोरेटर है 133 किलोग्राम और इसका जो माइलेज आपको मिलेगा 38 से 42 तक माइलेज आपको आराम से ही मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं इसका इलेक्ट्रिकल के बारे में, जो हर एक बाइक के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों हेडलैम्प के बारे में बात किया जाए तो काफ़ी खूबसूरत और यूनिक स्टाइल है जो दूसरे बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसका फ्रंट लुक काफ़ी खूबसूरत और स्टाइलिश है और रात के अंधेरे में तो और भी अच्छा लगता है। जैसे कि इसका लुक मुझे लगता है एलियन वाला लुक है। इसका हेडलैम्प फुल LED में है और बहुत ही पावरफुल है और इसका जो बैटरी है 12 volt 3 AH और इसका जो टेल लाइट है वो भी LED और इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है पासिंग स्विच, जो हर एक राइडर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश है और फुल डिजिटल में आपको मिलेगा और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहा जाता है। इसका कारण भी है ब्लैक कलर का ब्लैकलेट है और व्हाइट कलर का वेरी कॉन्ट्रास्टेड है जिसके वजह से इसको नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहा जाता है। इसमें आपको ABS इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर का भी ऑप्शन है और स्पीडोमीटर, RPM क्लॉक, फ्यूल इंडिकेटर का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं न्यू यामाहा MT-15 के बारे में पूरा जानकारी आई होप आपको मिल गया होगा। तो अभी बारी है इसका प्राइस जानने का। इसका ऑन रोड प्राइस है 5 ईयर्स इंश्योरेंस के साथ 1,71,346 रुपीज। दोस्तों और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू फ्रॉम द फ्रेंड्स प्रोडक्शन।